नमस्कार, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के आज के इस एपिसोड पे मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑयल के बारे में। एक चीज़ का तेल बहुत ही सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत सारे काम आ सकता है। आज का ये एपिसोड अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब हर टाइप के लोगों के लिए ये एपिसोड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं जो बात कर रही हूँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की अगर बात हो और हम नीम की बात ना करें तो कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि नीम का जो महत्व है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में वो इतना ज़्यादा है कि हम इसे बखान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद में नीम का जो इस्तेमाल है उसको जानना चाहते हैं तो मैं और भी ढेर सारे एपिसोड में आपको बताऊंगी, पर आज मैं नीम के तेल के बारे में बताने वाली हूँ। आप इतने तरीके के तेल मार्केट में मौजूद हैं, पर एक तेल जो आप कभी लाते ही नहीं होंगे अपने घर में, वो आपको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ़ायदे अगर आप सुन लेंगे ना तो आप पक्का इस तेल को किसी भी कीमत पे ख़रीद लेंगे। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है, नीम एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है कि मतलब इसको, ये एक किसी क्रांति से कम नहीं है नीम हमारे आयुर्वेद में। तो जो नीम का तेल है ये आपको कैसे कैसे फ़ायदा करता है, सबसे बड़ी चीज़ तो पता है, आपके घर में कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर अगर आते हैं तो आप बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से आप तरीके अजमाते हैं और आपको पता नहीं फ़ायदा मिलता भी है या नहीं, पर जो नीम का तेल है ये आपको 100% फ़ायदा देगा। नीम आपको शुगर, इन्फेक्शन, मलेरिया, गठिया, इन सारी चीज़ों से बचा सकता है। बहुत सारी चीज़ों डिजीज़ में ये ट्रीटमेंट के तरीके से काम करता है। तो आपको बस जानना है कि आप इसे कैसे यूज़ करें, आपको कैसे इससे फ़ायदा मिले। सबसे बड़ी चीज़ होती है फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत बार आपको प्रॉब्लम करता है और ये जल्दी जाता भी नहीं है। जब भी आपके शरीर में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है तो कोई बाजार से क्रीम मत लाइए, कोई ट्रीटमेंट मत लीजिए, आप बस नीम का तेल लेकर आइए। नीम का तेल जो आपका है, अगर असली नीम का तेल है तो बहुत ही जल्दी आपको फंगल में राहत मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको नीम का तेल आपके घर में है। अगर आपके बालों से संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, मैं जानती हूँ कि नीम का तेल बालों में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, पर यकीन मानिए जो बाल आपके हेल्दी, घने और सिल्की बन सकते हैं नीम के तेल से, वो और कहीं कुछ नहीं हो सकता। खैर, आप इसको अगर बालों में नहीं भी लगा सकते तो इसके बहुत ढेर सारे यूजेस हैं, आप उनको कर सकते हैं। गठिया के लिए बहुत अच्छा होता है नीम का तेल। अगर आप नीम के फल और जो छाल है इसका यूज़ कर रहे हैं गठिया के लिए, तो बहुत लाभकारी हो सकता है। नीम का जो तेल होता है ये बहुत अच्छा हो सकता है, इससे आप मालिश करा सकते हैं अपने जोड़ों में। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो दर्द है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप नीम की पत्तियों का लेप लगा सकते हैं। मच्छरों से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप बिल्कुल, ये एक बहुत मेडिसिन है बहुत अच्छी, अपने घर में नीम का तेल है ना, पानी में थोड़ा सा मिला के अपने घर में स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है आप नीम के तेल का दिया जला दो, सारे कीटाणु आपके घर के मर जाएंगे, आपके कीड़े मकोड़े जो है ना वो एकदम मर जाएंगे और आपका घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपके पौधों में कीड़े लग रहे हैं तो भी आप हर हफ्ते माली को बुलाने की बजाय, आप पौधा सूखने लगता है बाहर फेंकने लगते हैं, तो आपको नीम के तेल का इस्तेमाल करना है। आपको ना इसका स्प्रे कर देना है अपने पौधों पे, सारे पौधे एकदम अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके से ज़्यादा घाव हो रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चोटें लग जाती हैं, बच्चों को लग जाती हैं, तो भी आप नीम ऑयल से इसे सही कर सकते हैं, अपने घाव पे लगा सकते हैं इसे अच्छी तरह से। नीम के पानी से, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल के उस घाव को धो दीजिए और उसके बाद वहाँ पर नीम का तेल लगाइए, बहुत जल्दी आपका घाव भर जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो भी आप नीम का तेल ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, सूजन को दूर कर सकता है, तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे अगर आपको नीम का तेल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आपको अगर लगता है कि मार्केट में आपको सही नीम का तेल नहीं मिल रहा है तो आप इसे घर पे बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं। नीम के पके हुए फलों को आपको लेना है, 4 से 5 दिन तक आपको धूप में सुखाना है, फिर इसकी गुठलियों को निकाल लेना है। गुठलियों को ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लीजिए, फिर उसका पेस्ट बन जाएगा और आप पेस्ट को निचोड़ के उसका तेल निकाल लीजिए, बहुत आसान है। और आप इस तेल को यूज़ करें, आपके घर में बना हुआ तेल होगा तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा दोस्तों। और नीम के तेल का दिया जलाना अपने घर में मत भूलें। हर दिन आप अपने घर में
एक नीम के तेल का दिया जलाएं, इससे आपका जो घर है वो एकदम साफ सुथरा हाइजीनिक रहेगा, दिखने वाले और नहीं दिखने वाले सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो आप अपने घर में नीम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इससे पहले मैंने आपको नीम के तेल के बारे में बताया था, बालों में नीम का तेल कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि नीम का जो ये वाला तेल है आप जो गुठलियों से निकालते हैं बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, तो नीम की पत्तियों वाले तेल के बारे में मैंने आपको बताया था, वो वाला एपिसोड आप वॉच कर सकते हैं अपने बालों में अगर लगाना चाहते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ आयुर्वेद से जुड़ी हुई बहुत ढेर सारी जानकारी आपको देते हैं और आपको हर उस छोटी से छोटी जड़ी बूटी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के ढेर सारे फायदे मिल जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया, मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।